बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। जितने चार्जेस थे ड्रॉप कर दिए गए हैं, केस ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जो सबूत थे, जो शवाहिद थे, वो नाकाफ़ी थे। और ये केस की अगर हम बात करें, इसका बैकग्राउंड की बात करें, तो 2012 में इस केस का आगाज़ हुआ था, जब लंदन में एक छापे के दौरान अल्ताफ़ हुसैन के घर से एक खतीर रकम जो है वो मिली थी। और इस तहकीकात के दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों के कई इंटरव्यूज़ हुए, कई घंटों पर मुश्तमिल तवील इंटरव्यूज़ हुए, तहकीकात चलती रहीं, मुख्तलिफ शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कराए जाते रहे। और इस हवाले से यहाँ पाकिस्तान में भी हमने बहुत चीज़ें देखी कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ शवाहिद जो हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले किए गए हैं। फिर कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हमें लोग नज़र आए, जैसे PTI के फैसल वाडा साहब जो थे वो वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन की जितनी भी इश्तियाल अंगेज़ तकारीर हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग है या जो रॉ से फंडिंग लेने का मामला है, उस हवाले से जितने भी मेरे पास सबूत थे, शवाहिद थे, वो मैंने स्कॉटलैंड यार्ड को दे दिए हैं। इस दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब को गिरफ़्तार भी किया गया, ज़मानत पे उनकी रिहाई भी हुई और तहकीकात के दौरान जो है उनकी इस ज़मानत में तौसी भी होती रही और चार बार हुई। अब सवाल यह है कि एमक्यूएम लंदन के लिए तो एक बड़ी ख़बर है, लेकिन इसके असरात यहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए क्या होंगे? और ख़ासकर जो सरफराज मर्चेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस केस को सही तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने परसू ही नहीं किया है, और क्या वाकई वफाकी हुकूमत के हवाले से इस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है? और अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? और साथ ही साथ के बरतानवी पुलिस के हवाले से अब जो सवाल उठना शुरू हुआ है कि उसने भी कहीं ना कहीं इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए हैं। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पिछले दिनों जो कराची में असलहे की, हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, पकड़ी गई है अजीज़ाबाद से, जो कि 90 जो मरकज़ एमक्यूएम का रहा है और अब उसको सील भी कर दिया गया है, उन्होंने इसका जो जोड़ है किसी ना किसी तरीके से, इसका जो लिंक है वो बयान करने की कोशिश की है उन डॉक्यूमेंट से जो कि उस छापे के दौरान अल्ताफ़ हुसैन के घर से बरामद हुए थे। क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। इंग्लैंड से एक शॉपिंग लिस्ट थी जिसमें कीमतें भी लिखी हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि इन हथियारों का यहाँ डिस्कवर होना, दरियाफ्त होना या छापे के ज़रिए जिस तरीके से वो छुपाई गई थी, और उस लिस्ट का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। वो लिस्ट, वो डॉक्यूमेंट जो उस वक्त छापे के दौरान अल्ताफ़ हुसैन के घर से मिली थी उसका, और यहाँ पर कराची के अंदर जो असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई है उसका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, यह हमारे वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में बात होगी। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, रेनाउंड डिफेंस पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, और 1992 के ऑपरेशन की जब बात होती है कराची की तो काफ़ी अहम किरदार आपने उस वक्त अदा किया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। और कराची में मुबशिर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, मुबशिर खुश आमदीद, और आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और वसीम आफ्ताब साहब भी हमारे साथ कराची के अंदर मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाक सरज़मीन पार्टी के। वसीम आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अगर इजाज़त दें तो गुफ्तगू का आगाज़ हम करना चाहेंगे इम्बसात मलिक साहब से, जो कि रहनुमा हैं एमक्यूएम लंदन के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्बसात मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इम्बसात मलिक साहब, ये तो जाहिर है आप लोगों का मौकफ हमारे सामने आया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बात की जा रही थी और गलत चार्जेस थे और इसीलिए ये तमाम चीज हुई भी, चार्जेस ड्रॉप कर भी दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो बरतानवी पुलिस के हवाले से ये सवाल उठ रहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, और मुख्तलिफ जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं मई में अप्रैल में जो इस वक्त मेरे हाथ में भी हैं, इसका जिक्र पहले से ही करना शुरू हो गई थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं दो चीज़ों की तस्दीक कर दूं जो आपने फरमाया। एमक्यूएम पर कोई चार्ज नहीं लगा था, एमक्यूएम लंदन पे ना अल्ताफ हुसैन साहब पे कोई चार्ज लगा, ना एमक्यूएम के किसी रहनुमा पे चार्ज लगाया। ये एक इवेंट था, एक इंसिडेंट था जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इस हवाले से गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लोगों से बातचीत जरूर हुई है, लेकिन इस हवाले से, इस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चार्ज किसी को नहीं किया गया।
لندن پولیس نے یا میٹروپولیٹن پولیس یا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس حوالے سے جو ثبوت و شواہد تھے وہ جمع کیے, اور جمع کرنے کے بعد وہ تمام ثبوت و شواہد انہوں نے جو یہاں کا طریقہ کار ہے کراؤن پروسیکیوٹر کے پاس جمع کرایا, جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کیس چلایا جائے کہ نہیں چلایا جائے, اس کے بعد پھر ہی کوئی عمل ہوتا ہے. تو وہ تمام ثبوت و شواہد اور تمام چیزیں دیکھ کر کے کراؤن پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ انسفیشنٹ ہے, یہ قطعی جو ہے اتنے ٹھوس نہیں ہے اور نہ اس میں گہرائی ہے کہ اس پہ کیس چلایا جائے. تو اس حوالے سے یہ انویسٹیگیشن بند کر دی گئی ہے. چارجز بند نہیں کیے گئے ہیں, چارجز تو تھے ہی نہیں تو ان کو بند کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ چارجز ڈراپ کر دیے گئے, چارجز ڈراپ نہیں کیے گئے, انویسٹیگیشن انہوں نے کلوز کر دی ہے. مطلب ظاہر ہے ایک رقم, ایک خطیر رقم جو ہے وہ وہاں گھر سے ملتی ہے ایک ریٹ کے دوران. اب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا, چلے لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, بٹ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پیسہ کا نکلنا جو ہے کوئی جرم نہیں ہے. اور پیسے کے بارے میں جس کے بارے میں یقیناً ہو سکتا ہے شک و شبہ کیا گیا ہو, اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہی تھی, انویسٹیگیشن کر لی انہوں نے, مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جی آپ مناسب ہے اور ہم اس پہ کوئی فردر کوئی ایکشن نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو میں نے ابھی انبساط ملک صاحب سے سوال کیا تھا مختلف نیوز رپورٹس کے حوالے سے, تو اس میں ایک کا حوالہ دینا چاہوں گی. دی نیوز کی رپورٹ تھی اور 21 مئی کو جو ہے وہ شائع ہوئی تھی, اور اس میں یہ بات کی گئی کیونکہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کا ذکر انبساط صاحب نے ابھی کیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ایک انکمپلیٹ کیس جو ہے وہ فائل کیا گیا تھا, کراؤن پروسیکیوشن سروس کو دیا گیا تھا, اور جس کے حوالے سے اس انویسٹیگیشن کے فیوچر نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا تھا. اب اس کورسپونڈنٹ نے یہ ریویل کیا ہے اس رپورٹ کے حوالے سے کہ جی بہت کریڈیبل سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو پولیس نے فائل پاس کی ہے سی پی ایس کو, بجائے اس کے کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ یونٹ جو کہ ریسپانسبل ہے منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا, اس کو پتا تھا کہ یہ جو کیس فائل ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ فائل جو ہے وہ سبمٹ کرائی جا رہی ہے, لیکن اس پہ کچھ نہیں کیا گیا. پھر آگے اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ جی اینڈ دا پولیس ڈڈ ناٹ پرسو دا سسپیکٹس ریگولرسلی ایز اٹ روٹینلی ڈز. تو آپ کیا کہیں گے, واقعی انصاف کے تقاضے پھر پورے ہوئے یا یہ خبریں جو ہیں ان میں کہیں صداقت ہے؟ دیکھیے جی, جو یہ ڈیسیجن آیا ہے اس نے پاکستانی قوم کو بہت مایوس کیا ہے اور میں بھی مایوس ہوں, لیکن مجھے اسی قسم کی ڈیسیجن کی توقع تھی کیونکہ میں آپ میں اگر رائٹ اپس پڑھے, میں کافی اس کے اور ہر قسم کے سبجیکٹ پہ لکھتا ہوں جی, تو اس پہ بھی مجھے یہ تھا کہ یہ کیس جو ہے اس کو بھی اسی طرح پرولونگ کر کے پولیٹیسائز کر کے اور ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ دو بہت بڑے کیسز جو ہیں الطاف حسین اور اس کے کلیگز کے اوپر لگے ہوئے ہیں لندن میں. ایک ہے ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر کیس جو سپٹمبر 2010 میں ہوا, اور پھر 2012 کی مڈل میں یہ منی لانڈرنگ کا کیس. بٹ وہ انبساط صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چارجز تھے ہی نہیں, یہ تو صرف پیسہ ملا تھا, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. ابھی وہ تو آپ اس کو آپ جس طرح گول مول کریں, یہ آپ ان کی آپ جتنا بھی آپ کا پریس ہے انگلینڈ کا لندن کا اس میں منی لانڈرنگ کا ہی ذکر ہو رہا تھا, یہاں بھی ہو رہا تھا وہاں بھی ہو رہا تھا, اور اس کو جو ہے نا 2012 اور اب یہ 2016 اس عرصے میں وہ کیوں اتنے زیادہ جو ہے نا ریڈز اور اریسٹ اور انٹروگیشنز اور وٹنس کوئی 200 انہوں نے کیے, وہ کیا کر رہے تھے, ویسے ہوا میں وہ باتیں کر رہے تھے مطلب. اور یہ اگر ویسی کوئی رقم تھی تو آج تک وہ کیوں نہیں پروف کیا کہ جی یہ تو ہماری پاکٹ منی تھی, یہ ہماری ارننگ تھی, ہم نے یہاں ہماری بزنس تھی, ہمارے یہ اور دکانیں تھی, فلانا تھا وہ ہے, ہم نے وہاں سے یہ کمایا ہے. Why could they not justify? آج تک جسٹیفائی نہیں کیا انہوں نے کہ یہ پیسے آیا کہ یا وہ پاکستان سے گئے ہیں یا وہ راہ سے گئے ہیں, اور راہ سے کنیکشن تو ہو گئی ہوئی ہے. جو منہ میں آیا بولتا جائے آدمی, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اگر بات کی جائے تو ثبوت شواہد کے ساتھ ٹھوس بات کی جائے, اور اپنی خواہشات آپ کی خواہشات یہ جو آپ کی میٹروپولیٹن پولیس ہے, اور جو آپ چراپا ہو رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا ذکر وہاں ہوتا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہی تھا کیس جو ہے آج تک ہم اس کو حل کیے بغیر رہے نہیں ہیں, اس کو ان لوگوں نے اتنے سال لگا دیے اور یہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا.
और अभी मैं आपको मिसाल देना शुरू करूं तो फिर आप करें कि जब वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला होता है या इराक के ऊपर होता है। ज़ियाउद्दीन साहब मुझे आगे बढ़ने दें इसी हवाले से, जिस तरह इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जिस फैसले से पाकिस्तान में सबको मायूसी हुई है, अब चौधरी निसार साहब इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया, ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है उनसे मुलाकात भी उनकी हुई है, अब वो आगे कह रहे हैं कि जी मजीद हम इसको फिर से परसू करेंगे, लेकिन ये इल्ज़ाम जो लग रहा है सरफराज मर्चेंट साहब भी कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की कहीं ना कहीं बदनीयती थी, इस केस को परसू सही तरीके से नहीं किया, वो जो शवाहिद फराहम किए थे वो काफ़ी नहीं थे वाकई में। सादिया इस वक्त सारी चीज़ स्पेकुलेट करना जो है पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको इससे हटकर एक एग्जांपल देता हूँ ब्रिटिश लीगल सिस्टम के। 2009 में सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि वहाँ की एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसने सऊदी अरेबिया को से एक कंट्रैक्ट लिया 50 बिलियन पाउंड्स का टू सप्लाई देम एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स। उसके लिए उन्होंने ब्राइब्स दिए प्रिंसेस को, वो काफ़ी हद तक काफ़ी दूर तक चली गई थी इन्वेस्टिगेशन। तो उस वक्त टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको बंद करो, अगर ये इन्वेस्टिगेशन इन्हें सबूत के साथ पेश होती है तो हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से ख़राब हो जाएंगे और हमारे जो एयरक्राफ्ट की कंपनी है उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो बंद हो जाएगी और हमारी जो अरेंजमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ टेररिज्म पे वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, हम चल करते रहेंगे। फिर वो टोनी ब्लेयर चले गए, दूसरे उनके रिप्लेसमेंट आ गए, तो अटॉर्नी जनरल ने फिर रोका, तो SFO चली गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं आप इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। तो हुआ ये फाइनली तो गवर्नमेंट चली गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ से ख़त्म करवा दिया इन्वेस्टिगेशन, ख़त्म हुई। तो आई मीन आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर। नहीं, आपने सब कुछ कह भी दिया है और वाकई में ये बात क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है, ये काफ़ी अहम नुक्ता है जो ज़िया साहब ने यहाँ पर रेस किया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि इस केस के ख़त्म हो जाने के हवाले से ये नुक्ता नज़र भी यहाँ पर आ रहा है कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल केस लगता है, लॉ का कम केस लगता है, और जो मरासिम हैं बरतानिया के और भारत के साथ और रॉ की फंडिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं, वो जो बढ़ते हुए मरासिम हैं और गहरे ताल्लुकात हैं, क्या वाकई में वो भी असरअंदाज हुए हैं इस केस के ड्रॉप हो जाने पे, इस तमाम चार्जेस के ड्रॉप हो जाने पे, इस पे भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वसीम आफ्ताब साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे कि जब PSP की जानिब से आप तमाम लोगों ने बहुत बावसूक अंदाज में ये बात की कि जी अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं, रॉ की तरफ से, इंडिया की तरफ से उन्हें फंडिंग भी मिल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस पर भी आप लोगों का एक मौक़िफ़ सामने आया, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से भी आप लोगों का एक मौक़िफ़ सामने आया, तो इस एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्या कहेंगे आप फिर कि क्या हुआ, क्या कि ये केस ख़त्म करना पड़ा और फिर उसकी दलील जवाज़ ये दिया गया कि जिस सबूत और शवाहिद नाकाफ़ी हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि जो ज़िया साहब ने जो बात कही है ना, उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है और मुस्तफ़ा कमाल से लेके हम जितने भी लोग आए, हमने शुरू से कहा था कि बरतानिया में चलने वाले किसी केस में अगर हम हुकूमत बरतानिया से उम्मीद रखेंगे कि वो अल्ताफ़ हुसैन को फ़िक्स कर देंगे तो ये मैं समझ में हम लोग गलत फहमी में रह रहे होंगे और हमारी तमाम बातें हर सही होती चली जा रही हैं। देखिए, इस केस में अल्ताफ़ हुसैन साहब इतनी अहमियत के हामिल नहीं है। हुकूमत बरतानिया के इदारों ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान की सीक्रेट एजेंसी रॉ को रंगे हाथों पकड़ लिया है
वो इस केस में फिट हो रही है। यहाँ पे अल्ताफ हुसैन साहब की अहमियत नहीं है, पूरी दुनिया की न्यूज़ और उसकी अहमियत बिल्कुल चेंज हो जाती अगर ये केस क्राउन प्रोसिक्यूशन में चलना शुरू हो जाता। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सिर्फ अगर आ ही जाते तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते, फिर उसका उसको रोकना इनके इख्तियार में नहीं था। तो रॉ पहली दफ़ा पकड़ी गई है तो लेकिन चूंकि जैसे ज़िया साहब ने कहा कि देखें रियासतों के दरमियान उनका प्राइम इंटरेस्ट उनके अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान के साथ उसके तजारती और माशी माहदे जो हैं वो एक बहुत बड़े लेवल पर हैं, तो इंडिया ने पूरा पूरा रोल प्ले किया है इस केस को बंद कराने के लिए। तो अब लेकिन ये इस वक्त की सूरत हाल के अंदर बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं अदा किया, और जिस आदमी ने ये स्टोरी लॉन्च की थी ऑनर्ड बेनेट जॉन्स ने, उसने कह दिया कि अब ये केस जो है वो एक लॉ से ज़्यादा एक पॉलिटिकल केस बन चुका है, तो उसका एंड यही होना था। भाई अगर यही बात है तो जिस बीबीसी ने ये रिपोर्ट शाया की अब तो कोई केस ख़त्म हो गया ना, अब तो चाहिए इनको कि ये बीबीसी पे केस करें, मिलियन और बिलियन डॉलर पाउंड्स का मुकदमा उस पर दायर करें, कर दें फौरी तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि इसी तरह से होना है। हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों को ये देखना होगा कि इस मुल्क के साथ किस तरह का भोंडा मजाक किया जा रहा है, इस मुल्क के साथ आप इस मुल्क के खिलाफ बड़ी से बड़ी गद्दारी कर लें। आगे लेके मुबशिर जैदी साहब की जानिब जाऊंगी कि जिस तरीके से ये बात हम कर रहे हैं कि बरतानिया और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो असरअंदाज हुए इस केस की तहकीकात के हवाले से, तो अगर ये चीज़ वाकई दुरुस्त है मुबशिर साहब तो फिर तो पाकिस्तान की हुकूमत जो कुछ मर्जी कर लेती, क्योंकि अभी तो ये शिकवा हम कर रहे हैं कि जी बदनीयती दिखाई और इस केस को सही तरीके से परसू नहीं किया, तो फिर तो चौधरी निसार साहब खुद लंदन भी चले जाते और शवाहिद लेकर खुद से चले जाते, इससे बढ़ के कुछ कर देते अगर वाकई दो ममालिक के ताल्लुकात का मामला है, तो फिर भी बात तो ना बनती, फिर भी वो भारत की ही सुनते, भारत करवा दिया अगर उन्होंने ये केस क्लोज। जी सादिया, पहले तो मैं ये बताऊं जितने हजरात ने अब तक बात की, मेरे ख्याल में अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेशन और इंसाफ बहुत आला हो रहा होता तो यकीनन मैं कहता कि स्कॉटलैंड यार्ड से हमें कोई उम्मीद होती। हमारे यहाँ भी 10,000 ऐसे केसेस बनते हैं और उनका क्या अंजाम होता है वो एक अलग बात है। जहाँ तक सबूत, चौधरी निसार के पास कोई सबूत थे ही नहीं, पहली बात। स्कॉटलैंड यार्ड ने वहाँ से रकम बरामद की, ठीक है, उन्होंने कहा कि जनाब ये कहाँ से आई, उसके लिए सबूत के तौर पे कराची से रसीदें भिजवा दी गई कि जनाब ये जो है जो अब एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं उन लोगों ने रसीदें भिजवा दी, तो उसकी बिना पर ये कहा गया कि जनाब ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा, इट्स अ वाइट कॉलर क्राइम, और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रूफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। सिर्फ कह देना कि रॉ की तरफ से फंडिंग आई थी, ये हो गया था, वो सारा कुछ हो गया था, उसको प्रूफ भी करना पड़ता है, और हमारी पुलिस के यहाँ तो बहुत आसान होता है प्रूफ करना। स्कॉटलैंड यार्ड जिसने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की इन्वेस्टिगेशन की थी वो भी कंक्लूजन यहाँ नहीं ला सकी। तो अब आप सोचिए ज़रा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ के वाइट कॉलर क्राइम, वो तो एक कत्ल था, उसमें भी कंक्लूजन नहीं वो ला पाई या लाने नहीं दिया गया, वो एक अलग बात है। इस सारी सूरत हाल पे अब यहाँ बैठ के ये कहना कि जनाब बहुत सारे सबूत थे, चौधरी निसार, तो फिर वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एमकेएम के हवाले से मुख्तलिफ केसेस के हवाले से सबूतों का जिक्र क्यों करते थे? इसलिए कि उनके पास नहीं है, ये पॉलिटिकल यहाँ पे ड्रम बीटिंग होती रहती है कि जनाब देखें हमने ऐसा केस तैयार कर लिया है कि अब कोई बचेगा ही नहीं। वहाँ सबूत चौधरी निसार यहाँ से लेके नहीं गए थे, यहाँ पे लाके सरफराज मर्चेंट को बिठा देना टेलीविजन पे, उसके इंटरव्यू दिखा करके टॉक शोज में किसी को सजा देना, और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक पुलिस के थ्रू एक इंसाफ के कटहरे में लाना, दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। सब ने यहाँ सरफराज मर्चेंट का इंटरव्यू किया। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब यही इम्तियाज मलिक साहब, चौधरी निसार साहब का जिक्र आया है तो उनकी वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट थी वो आपको हमने सुनवाई भी है कि जो कराची से असलहे की बड़ी खेप मिली है उसका ताल्लुक उन्होंने जोड़ा है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि रिकवर हुए थे अल्ताफ हुसैन साहब के घर से, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि पूरी लिस्ट है वेपन्स की उस घर से जो उनके मिली है। देखिए, एक बात में तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जितने भी आपके बैठे हैं तो बोल दूँ, एक चीज़ अर्ज कर दूँगा उनसे,
कि बरतानिया में जो लीगल सिस्टम है उसके तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी केस चलता है, उसके बारे में कोई बात भी, कोई कागज़ भी, कोई एक लफ्ज़ भी लीक नहीं होता। लीक से मुराद है कि बाहर जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है, हर चीज़ को फौरन अया कर दिया जाता है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और मीडिया को बता दिया जाता है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पर। तो जो भी चीज़ अगर यहाँ पर किसी रहनुमा के घर से निकली है, गई है, तो यकीनन उसकी कोई भी कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्कॉटलैंड ने बाकायदा उसका ऐलान किया हो। तो चाहे वो कोई लिस्ट हो, चाहे असलहे की लिस्ट हो, चाहे पैसे के बारे में कुछ कहा हो या कोई और दीगर तफसीलात हो, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये लीगली जो है मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड बाउंड होती है कि वो कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं करेगी जो चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन होती है। आपने एक न्यूज़ मुझे पढ़ के तो सुना दी तमाम साथियों को यहाँ पे जितने बैठे हैं कि फला फला न्यूज़ में ये छपा है वो छपा है, लेकिन उसकी कोई भी अहमियत नहीं है और कोई भी ये चीज़ कह नहीं सकता। हम अपने कयास आ रहे हैं, ज़रूर कर सकते हैं, बैठ के हम सफ़े पे सफ़े काले तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकेंगे कि ये बात स्कॉटलैंड ने कही। हम मुसद्दका ज़राए तो कह सकते हैं, लेकिन कभी भी इस बात को हम साबित नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल के वो चीज़ जो है बाकायदा जो है पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड उसको रिलीज़ करेगी। तो हमारे यहाँ तो अलमिया यही है कि एक चीज़ आप थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूं का जिक्र कर रहे हैं और ये तमाम जितने मेहमान बैठे हैं इनके बिल में ये सारी चीजें होंगी कि इस तरह से कोई चीज नहीं होती है कि जो भी चीज निकली, जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज है, उनको पब्लिक नहीं किया जाता और ये पब्लिक नहीं हुई है। और चाहे आप इसके ऊपर जितना भी ढोल ताशे करते रहें, अपने मनमानी बातें करते हैं, लेकिन इसकी अहमियत कोई नहीं है। और रहा मसला ये कि एक इशू ख़त्म हो जाए तो दूसरा इशू नथी कर दो एमकेएम के साथ, ये तो पुराना वतीरा रहा है हमारे यहाँ। तो यकीनन एक चीज़ में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है जब देखा गया कि स्कॉटलैंड यार्ड ने ये सिलसिला बंद कर दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ख़त्म हो गई है। तो कोई दूसरा इशू निकाल करके इस पे कोई ना कोई जो है टॉक शोज किए जाए, इस पे कोई ना कोई पब्लिक में बहस की जाए, डिबेट किया जाए, चलें दूसरा इशू मजीद कहां जाता है इस सिलसिले में। इसके बाद जो सबसे बुनियादी है जिस पे बात हो रही है, अगर उसी पे अगर आप इजाजत दें ब्रिगेडियर साहब की जानिब के, एक तो इन्होंने ये जो बात की है कि जी कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें और लीगली बाउंड होते हैं, आप उसको नहीं सामने ला सकते हैं, तो फिर इस मुल्क का वज़ीर दाखला जिस तरह मुबशर ने कहा कि जी वो तो ड्रम बीटिंग चल रही है कि जी हमारे पास आपके खिलाफ ये शवाहद हैं, लेकिन कोई शवाहद दिए नहीं गए, डू यू एग्री विद दैट? वरना चौधरी निसार साहब तो कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत की जानिब से गए हैं, और चौधरी निसार साहब को ये जो वेपन्स वाली लिस्ट है ये फिर कैसे पता चली अगर नहीं? तो ये जो वेपन जो इतना ढेर निकला तो निकला या नहीं निकला, सब पूरे पाकिस्तान ने देखा, दुनिया ने देखा या नहीं देखा? निकला, वो उधर से निकाला गया, ट्रकों में डाला गया और कहीं दूसरी सेफ जगह पे। अरे जनाब, आपने भी जिनापुर का रक्षा निकाला था, आप भूल गए क्या? कहाँ गया? हाँ बिल्कुल निकाला है और मैं आई स्टैंड बाय बिल्कुल okay? निकाला था वो भी। अच्छा, आपने, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अभी आप अपना आराम से कि आपने बिल्कुल जिस तरह के अभी ये आपकी बात मैंने सुन ली है, आपकी बात मुकम्मल तो शर्मसार होना चाहिए। आप जो निकालने आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो ये जो है उसकी लिस्ट बनी है, इंटीरियर मिनिस्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल मैन, ये कल इसको जस्टिफाई भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे, उन्हें क्या मुशाबत है अब ये आगे प्रूव करेंगे। लेकिन मुझे इनमें भी इतनी ज़्यादा जो है ना हिम्मत और जरूरत नहीं नज़र आती, बिकॉज इनकी भी सॉफ्टनेस है। आप ये देखिए कि ये जो अल्ताफ हुसैन जो वहाँ कब से बैठे हुए हैं 1992 में, तो ये इन्होंने भी कुछ नहीं किया कि ये क्या है, रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, ये कुछ सिस्टम है दुनिया में, क्यों इसको इन्होंने जायज़ करार दिया आज तक, और उन्होंने क्यों उसको इतना जो है ना खातर मदारत की और उसको वीज़ा भी दे दिया, नेशनलिटी भी दे दी, और वहाँ आज तक उसको रखा हुआ है। और फिर अब जब वो देखा कि यहाँ वो फंस गया है, तो वो दो केसों में, पहले मर्डर वाला हुआ तो दूसरा में है तो उसमें डाला, लेकिन फिर जब ये राव वाला लिंक निकला तो अब इनको समझ नहीं आई कि क्या करें। जहाँ तक उनके मॉरल्स और स्टैंडर्ड्स का ताल्लुक है, आई डिसएग्री विद देम, कोई मॉरल और स्टैंडर्ड वेस्ट के नहीं है। आप ये देखिए, ये जो
2003 में जो उन्होंने फेक केस बनाया था इराक को और उसकी ईंट से ईंट बजा दी और मिलियन ऑफ पीपल जो है ना मार दिए, वो किसने बनाया था? टोनी ब्लेयर, उनका जो हेड एग्जीक्यूटिव हेड है, क्या उसको क्रिमिनल के बनाया आज उन्होंने? आपने उसको वॉर ट्रायल कराया है? क्या बुश को आपने वॉर क्राइम में डाला है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसने एक महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी ट्रुप मोबिलाइजेशन करके सारे सबूत भी पैदा कर लिए कि जी अलकायदा वहाँ है और अफगानिस्तान में यहाँ है और ये है? यहाँ तो एकदम सबूत मिल जाते हैं और एकदम कार्रवाई होती है, ये एक इंडिविजुअल उनसे जो है ना नहीं पता पता चला और पड़ गया और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उनके हवाले से भी बात ना की जाए, एक ब्रेक ले लेते हैं। बात हुई है तो PMLN के किसी नुमाइंदे से भी कॉन्टेक्ट करेंगे और जो इस वक्त हुकूमत के हवाले से इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, उनका मौकफ भी आप तक पहुंचाएंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ज़िया साहब, जो आपने बात की थी वो काफ़ी बुनियादी बात थी और जिस पर वसीम आफ्ताब साहब ने कहा भी कि आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, वो बात करके कि दो ममालिक के जो आपस के ताल्लुकात हैं, जो अच्छे मरासिम हैं, वो किस तरीके से इस केस पर असर अंदाज हुए हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि जी काफ़ी लोगों के, काफ़ी मुल्कों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे करवाई जा रही हैं कार्रवाइयाँ, उन पर नज़र होनी चाहिए। अब क्योंकि वसीम आफ्ताब साहब और इन जैसे बाकी लोग तो जो PSP के हैं वो तो घर के भेदी हैं और वो ये बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनसे बेहतर कौन जान सकता है। एक बात हुई कि जी MI6 के ऑपरेटिव हैं ये, जी उनके एजेंट हैं, तो अगर वाकई ये चीज़ दुरुस्त है तो इसका उससे ताल्लुक, आप कनेक्शन को जुड़ता हुआ देखते हैं कि फिर MI6 का तो एक खासा है कि वो अपने लोगों पे आंच नहीं आने देते, आप किसी ना किसी तरह बचा लेंगे, CIA ऑन दी अदर हैंड मरवा देता अपने ऑपरेटिव्स को, MI6 ये काम नहीं करता। देखिए ये मैं जो कुछ भी अब कहना कहने जा रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब को भी पसंद नहीं आएगी बात, इन क्या नाम इनका, वसीम आफ्ताब साहब, इंबसात मलिक साहब को भी पसंद नहीं आएगी। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने MQM बनाया और उसको इस्तेमाल किया, आपको याद होगा, नहीं मैंने कहा था आपको याद नहीं होगा, वो बहुत पुरानी बात है। वो उस ज़माने में ज़ियाउल हक़ का जो इस्टेब्लिशमेंट था उसने पीपल्स पार्टी को रॉक एजेंट बना दिया था, अलजुल्फ़ार को रॉक एजेंट बना दिया, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने MQM इंट्रोड्यूस किया सिंध में, और वो उनका काम ही यही था MQM का कि पीपल्स पार्टी को मार्जिनलाइज करे सिंध में, और मुस्तकिल वो करते रहे। और आपने देखा होगा कि इन्होंने वो नक्शा डिस्कवर किया फिर भी रिहैबिलिटेट हुए, यानी आज भी वही कह रहे हैं कि आई स्टैंड बाय माय स्टोरी, लेकिन इनकी इंस्टीट्यूशन ने उनको रिहैबिलिटेट किया, उनसे फिर काम लिया। और काम मैं अगर तारीख बताऊंगा, यानी एक एक वक्त मिसाल के तौर पर जब बेनज़ीर को दूसरी दफ़ा लाने की ज़रूरत पड़ी थी इस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने MQM से कहा कि आप नेशनल असम्बली के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने बायकॉट कर दिया, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन उन्होंने लड़े। और इन्हें वहाँ पर उन्हें उम्मीद ये नहीं थी अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे MQM तो पीपल्स पार्टी को इतने वोट मिलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन यहाँ पर सिंध में उनको रोकना था पीपल्स पार्टी को, यानी जब भी एस्टैब्लिशमेंट को जरूरत पड़ी। अच्छा, क्योंकि ये बात आप इसलिए क्योंकि अभी भी MQM पाकिस्तान के अक्सर लोगों का भी मौकफ आता है कि जी हमें नहीं पता कि फिर कोई ना कोई डील हो जाए, और वो खुद कहते हैं, मैंने अब खुद कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके साथ भी मामला तय हो जाए फिर से दोबारा। और अभी भी मैं कहता हूँ कि लास्ट जो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ था अगर उसके रिजल्ट को देख लें आप, तो मैंने मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट किया है कि अभी भी MQM का वोटर जो है ना वो अल्ताफ के साथ है, अच्छा ना PSP के साथ है ना MQM पाकिस्तान के साथ। ओके, चलें इस पे भी मैं बात करूंगी PSP के हवाले से, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के अलग होने से या इख्तलाफात सामने आने से जितना फ़ायदा PSP उठा सकती थी वो नहीं उठाया, उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा। इस पे भी बात करेंगे वसीम आफ्ताब साहब से, लेकिन इरफानुल्लाह मरवत साहब ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के रहनुमा, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह मरवत साहब। ये फरमाइएगा कि आपने काफ़ी पहले भी आप वोकल रहे इस हवाले से MQM पर जो
الزامات لگے ہیں جو الطاف حسین کے خلاف جتنی تمام باتیں آئی ہیں. اب آج ایک کیس منی لانڈرنگ کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نا کافی ثبوت ہیں نا کافی شواہد ہیں. سرفراز مرچنٹ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں حکومت پاکستان نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے, اس کیس کو صحیح طریقے سے پرسو نہیں کیا. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں تو جی ایم کیو ایم سے تب بھی تنقید کرتا تھا اور بات کرتا تھا جب نہ پی ایس پی بنی تھی اور نہ کوئی اور بنا. جی اب تو کیونکہ وہ الطاف صاحب ذرا کمزور ہو گئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں. بہرحال جب لوگوں میں ہمت نہیں بھی تھی تب بھی بات کرتا تھا اور اب بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں یہ بڑی اس کو سمپلسٹک بات تھی کہ الطاف حسین کو منی لانڈرنگ میں پکڑا جائے گا, یہ کرا جائے گا. اگر کچھ کرنا ہوتا تو اس کو بیل اتنی آسانی سے نہ دیتے گا کیونکہ ان کا ایسٹ ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خالی انگریزوں کا ایسٹ, جی اوروں کا بھی ایسٹ ہے. جن کا بھی ایسٹ ہے جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے ان کو پکڑائی دے دیں گے؟ اب دیکھیں نا جب بات نکلی کہ جی یہ پیسے ان کو ملتے ہیں, را سے پیسے ملتے ہیں, انڈیا سے پیسے ملتے ہیں, تو اس وقت انڈین گورنمنٹ بھی آئی اس میں ایکشن میں اور انہوں نے کہا جی اور جو مرضی کرنا ہے کرو, یہ منی لانڈرنگ والی بات نہیں کرو کیونکہ منی لانڈرنگ ہمارے گھر تک نہ بات آ جائے. اور آج کل تو جیسے موسم ہے اس میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے خلاف کچھ ہو. اچھا یہ آپ کو لگ رہی چیز, حالانکہ خود آپ پی ایم ایل این میں ہیں لیکن آپ بات ضرور کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں. میں کروں گا, دیکھیں چودھری نثار صاحب جو ہیں ہی از اے ویری آنریبل مین, میں بالکل کھلم کھلا کہوں گا, بٹ چودھری نثار از ناٹ انچارج آف دا گورنمنٹ, ہی از اونلی انچارج آف ون منسٹری. ٹھیک ہے, اور اگر کہیں اور سے انسٹرکشن آئیں گی تو چودھری نثار کو پسند ہو یا نہ پسند ہو ان کو آرڈرز فالو کرنے پڑے. ٹھیک ہے, لیکن چودھری نثار صاحب جس طریقے سے ظاہر ہے انٹیریئر منسٹر ہیں اور وہ مختلف شواہد کی بات بھی کرتے رہے ہیں کہ میرے پاس شواہد ہیں ایم کیو ایم کے خلاف یا الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کے خلاف, ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی شواہد ہیں, پھر وہ کہاں گئے؟ ان کا ہوا کیا پھر وہ شواہد حکومت پاکستان نے اگر واقعی دیے تھے؟ بیسیکلی تو برٹش گورنمنٹ نے اس کو کرنا تھا. جی کیس تو برٹش گورنمنٹ کا صحیح ہے, لیکن حکومت پاکستان نے جس طریقے سے پرسو کرنا چاہیے تھا, شواہد سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا, وہ صحیح انداز میں کیا. سرفراز مرچنٹ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں نے سنی تھی ان کی بات, جی وہ تو اپنی جان بھی چھڑانا چاہ رہے ہیں نا, ان کو اپنے پیسے بھی واپس چاہیے. میں یہ بات خالی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ خالی گورنمنٹ آف پاکستان انوالوڈ ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بالکل نرم گوشہ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی جو دو گورنمنٹس ہیں, ایک جس ملک میں وہ رہتے ہیں الطاف حسین جہاں رہتا ہے, اور ایک جو اس ملک میں جس نے اس کو وہاں ٹھہرایا ہوا ہے. صحیح ہے, برطانیہ, بھارت اور پاکستان کی حکومت کا نرم گوشہ ہے. میں وسیم آفتاب صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, ایک تو یہاں پر کیونکہ بات ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے دور ہو جانے سے, اختلافات ہو جانے سے شاید اتنا سیاسی فائدہ پی ایس پی نہیں اٹھا سکی جو وہ کر سکتی تھی, اور دوسری چیز ابھی یہاں پر بات ہوئی ہے کہ جی نرم گوشہ ہے اگر حکومت پاکستان کا اور کیس اس طریقے سے پرسو نہیں کیا گیا, اور برطانیہ کا بھی ذکر آ گیا, بھارت کا بھی اس میں کردار آ گیا, تو پھر کیا اس فیصلے کا, یہ جو ابھی منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ ہمارے سامنے آیا, اس کا کوئی اثر ہوگا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے فیصلے پر؟ اس کا بھی یہی اثر ہوگا. اچھا جی وسیم آفتاب صاحب, دیکھیں یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے خود سے یہ اقرار کیا ہے. یہ اقرار پاکستان میں نہیں کیا انہوں نے, یہ پاکستان میں جہاں آپ کہیں کہ پولیس ہاتھی کو ہرن بنا دیتی ہے وہاں نہیں کیا اس نے, یہ لندن میں بیٹھ کے دو افراد جو تھے طارق میر اور ایم انور صاحب, جنہوں نے ایم انور صاحب نے کل بھی شاذیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک بہت ہی سادے سے سوال کا جواب نہیں دیا کہ انہوں نے آپ نے را سے فنڈنگ لیے, اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. خیر چلیں بہر اس کو ہٹا دیتے ہیں اب, کیونکہ عرفان اللہ مروہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی اس میں شامل ہے, تو یہ ایک ایسا جرم کیا ہے کہ جو پاکستان حکومت نے پاکستان کے خلاف کیا ہے.
PSP ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं आपकी बहरहाल आपका अपने तजिया आपकी राय वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने 3 मार्च से हम आए हैं, इस 3 मार्च के बाद जो कराची में 3-4 बाय इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर वोटर टर्नआउट 6% हो गया, कश्मीर के 2 इलेक्शन हुए जो MQM हार गई, 1-7 में MQM हार गई है। अब अगर आप इसको ये कहें कि MQM के साथ जुड़े हुए हैं तो भाई ये 92 में भी इस शहर में इलेक्शन हुए थे, MQM का पोलिंग एजेंट नहीं बैठा था लेकिन MQM जीती थी। तो ये सारी सूरत हाल है, मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस होता है, उस माशरा हमेशा इर्तिका की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आई है और वो एक ही जगह जाके कायम कर लिया हो, नहीं, ऊपर से जाती है और नीचे भी आती है। तो MQM अपने नेचुरल प्रोसेस में नीचे की तरफ चली गई है। आपके नज़र में, मैंने कहा ना आपकी एक राय हो सकती है, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि जब 2018 का इलेक्शन आएगा कि अब MQM का 2018 के इलेक्शन में बताएंगे कि करना था वो हो चुका है। ओके, आप कह रहे हैं बिल्कुल हमने है, हम वो लोगों के सामने आ चुकी है और वो नीचे की तरफ जा रही है, और 2018 के इलेक्शन में पाक सरजमीन कहाँ स्टैंड करती है ये भी बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसको ड्रॉप कर दिया गया, तमाम चार्जेस को, केस को ख़त्म कर दिया गया, उसके अवामिल या मुहरकात क्या हो सकते हैं उस पर बात हो रही थी, और हुकूमत पाकिस्तान जो दावा करती है कि जी हमने शवाहिद फराहम किए थे, गो के मुबशर जैदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि चौधरी निसार साहब के पास तो शवाहिद और सबूत थे ही नहीं, वो तो सिर्फ ड्रम बीटिंग कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाउडा साहब जो हैं वो वहाँ गए भी और उन्होंने जो इश्तियाल अंगेज तकारीर हैं उस हवाले से, जो रॉक से फंडिंग का मामला है उस हवाले से, और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी स्कॉटलैंड यार्ड से 2 घंटे से जायद की मुलाकात भी की थी, शवाहिद फराहम भी किए थे। फैसल वाउडा साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वजूहात, क्या मुहरकात इसके समझ में आते हैं कि इस केस को इस तरीके से ख़त्म होना पड़ा, जबकि हर तरफ से, आपकी तरफ से भी जो PSP में जो कि खुद वो लोग जो MQM का हिस्सा थे उन्होंने भी बड़े वसूख से ये बात की कि तमाम चीज़ें जो हैं वो सही हैं, तो फिर ये इस केस का अंजाम ऐसा क्यों? सादिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब 2 साल पहले मैंने इनिशिएटिव लिया था ये अल्ताफ हुसैन जो गद्दार है इसकी स्पीच के हवाले से, तो सबने बड़ा मजाक उड़ाया था कैसे होगी इसकी स्पीच बैन, पर अल्लाह इज बीन वेरी काइंड, हम उसमें तो सुरखरू हो गए कि इसकी स्पीच बंद करा दी, इसकी आवाज़ हमने टेलीविजन तक तो एटलीस्ट बंद करा दी। जब मेरी SO 15 जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल फोर्स है उससे मुलाकात मेरी हुई, और उसमें भी उनका जो सबसे बड़ा इशू था और एक्सक्यूज था वो ये था कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है, और गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, आज के दिन भी नहीं है, और अगर ड्रम बीटिंग चौधरी निसार साहब कर रहे थे तो दैट्स इट ऑल, कि गवर्नमेंट किस हिसाब से चल रही है। और गवर्नमेंट का जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है कि जैसे ये अल्ताफ हुसैन है कराची का और MQM कराची की है, वैसे पंजाब की MQM नून लीग है और पंजाब का अल्ताफ हुसैन नवाज शरीफ साहब है, तो इसमें दोनों की कोई डिफरेंस भी नहीं है। वो रॉ के लिए काम करता है अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ बूदी के लिए काम करता है, वो अपने बंदों से बंदे मरवाता है, ये पुलिस से बंदे मरवाता है, ये बता लेते हैं, वो ऑरेंज रेल लाइन और मेट्रो बसेस के थ्रू पैसा ले लेते हैं, तो दोनों का तरीके वारदात तो एक ही है। नंबर 2 ये कि देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खड़ी होनी है, इशू स्टार्ट हो रहा है, वो जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड जो लीडर बने हुए हैं MQM के, उन्होंने जो एफिडेविट्स लिखे थे कि हमने पैसा फराहम किया है, अभी तो उनसे सवाल होगा कि उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं, या आज झूठ बोल रहे हैं उस वक्त सच बोल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, अगर चार्जेस क्योंकि रॉ का ये एजेंट है अल्ताफ हुसैन, तो नेचुरली वो अपने एसेट को बचाएंगे, तो लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी इमरान फारूक कत्ल केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी जो इंस्टिगेटिंग टुवर्ड्स वायलेंस जो स्पीचेस थी जिसकी वजह से ज़ारा शाहिद साहिबा मारी गई हमारी और बहुत सारे लोग मरे गए, और अभी जो मीडिया हाउसेस पर अटैक हुए, तो वो शवाहिद भी मौजूद है, तो इट्स नॉट दैट कि सब चीजें खत्म हो गई हैं। हम तो गवर्नमेंट के अलावा अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और आज भी आप देखें कि जितनी करप्शन हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, टेररिज्म हो, किलिंग हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट। आज भी आप देखें आदिल गिलानी को उन्होंने क्लियरेंस देने पे हर करप्शन की चीजों में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की
एम्बेसडर बना दिया सऊदी अरेबिया का, तो गवर्नमेंट और जमहूरियत जो है नवाज शरीफ के टाइम, तो आप कहते हैं कि जी ये पीएमएलएन को आप कहते हैं कि ये पंजाब की एमक्यूएम है और इनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुबशर जैदी साहब, ये जो अभी फैसल ने बात की है खासकर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों के हवाले से कि जिनके एफिडेविट्स मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि वाकई अब उनसे भी सवाल होगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि जी आप अपना मौकफ, आप अपनी पोजिशन जो है उसको क्लैरिफाई करें? मतलब कौन पूछेगा उनसे? कोई पूछ तो नहीं सकता ना उनसे, क्योंकि ये तो एक केस अब क्लोज हो गया ना मनी लॉन्ड्रिंग का। अब कौन पूछेगा उनसे, क्योंकि उन्होंने यहां से एक एफिडेविट भिजवा दिए कि जनाब ये जो पैसा था सारे का सारा ये जायज तरीके से लिया गया था। अब जाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही सीरियस चार्ज है, वो प्रूव नहीं कर पाए, जब केस ही बंद हो गया है तो अब जाहिर है कोई किसी से नहीं पूछेगा। और जो फैसल बात करें, जाहिर है वो तो एक सियासी बात है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि जो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा वो इमरान फारूक कत्ल केस का होगा। और जिस तरह वसीम ने कहा, वसीम आफ्ताब साहब ने, कि वो उसका भी वही हशर होगा, तो उसमें हमारी भी कोताहियां हैं। हम हर मलबा दूसरे के ऊपर डाल के बड़े खुश हो जाते हैं। मुझे याद है कि हमने ये खबर ब्रेक की थी 2010 में कि जो इमरान फारूक कत्ल में जो लड़के मुबैना तौर पर मुलविस हैं उन्हें कराची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, मगर उन लड़कों को 4 साल तक रखा गया, 5 साल तक बल्कि, और लास्ट ईयर उनको शो कराया गया कि जनाब वो चमन से आ रहे थे तो हमने पकड़ लिए। उनमें से एक लड़का जो है वो ये भी कहते हैं कि वो शायद अब जिंदा नहीं है। तो आप ये जब चीज़ें लेकर के इस तरह के डाइसी सबूत लेकर के जाएंगे तो वो किस कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करेंगे? हमारी तो जो मातहत अदालतें हैं वहां तो स्टैंड कर जाएंगे, लेकिन बाहर की अदालत में जब ये सवालात होंगे तो इनके जवाब हमें ही देने पड़ेंगे ना। सही, ये भी अहम नुकता। ब्रिगेडियर साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे जो इन्होंने बात की है? एक तो जाहिर है वो कहते हैं कि केस क्लोज हो गया है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों से अगर पूछने की बात है तो उनसे कौन पूछेगा, और फिर इस फैसले के हवाले से हम कह रहे हैं कि क्या ये फैसला दूसरे केस पर, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के फैसले पर असरअंदाज होगा या नहीं, तो फिर उसके हवाले से भी हमने क्या किया है? वो तो यहाँ पे जिस तरह उन्होंने कहा कि जी बता दिया गया कि चमन से लड़के आ रहे थे, पहले पकड़े गए थे, लेकिन हमने भी आज सच उस हवाले से कुछ खास कार्रवाई की तो नहीं हमारी हुकूमत ने? जी मनी लॉन्ड्रिंग का केस वहाँ तो क्लोज हो गया, यहाँ तो क्लोज नहीं होना चाहिए ना जी, यहाँ क्यों क्लोज हुआ है? बिकॉज वी आर द डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी। मनी लॉन्ड्रिंग अगर वहाँ से हो रही थी तो पाकिस्तान से भी हो रही थी। ये तो अभी यहाँ पर रिकॉर्ड पर है ना कि जो ये बत्ते का पैसा और ये सारे माफियाज का पैसा जो है वहाँ जाके, तो वो लंडन सेक्रेटेरिएट कैसे चल रही थी, और अल्ताफ हुसैन की जो इतनी रिच लाइफ थी वो कौन उसको सपोर्ट कर रहा था? यहीं से पैसे जा रहे थे ना, और ये अल्ताफ हुसैन खुद क्लेम करते थे कि जी हर एमक्यूएम का जो ऑफिशियल है वो 1% अपनी तनख्वाह का भी ये देता है, तो वो तो हमें मालूम है सारी चीजें। और अब जब के इनके अंदर सर मालूम है तो ये चीजें आपको मैं बोलता था या कोई और बोलता था तो फिर तो कोई नहीं सोचता था। लंदन में भी सबूत के तौर पे पेश करें ना, खोल दिया, पीएफपी वाज पार्ट ऑफ द एमक्यूएम, एमक्यूएम पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ द एमक्यूएम अल्ताफ, तो क्या हुआ सर उसका? वो बता रहे हैं उसका क्या हुआ? ये मर्चेंट जो है सरफराज मर्चेंट, ये मेरा बंदा था, फिर क्या हुआ उसका? हां जी अच्छा क्या हुआ सर, मुझे मुझे बता दें। आप आपने 92 से लेकर के आप भी कहते आ रहे हैं सबूत थे, जनरल मुशर्रफ भी आए उनको सबूत दे देते चले, अगर आपको सियासतदानों पर यकीन नहीं है तो कहीं तो कुछ करते ना। खाली बातें जो आप 92 में कर रहे थे आज भी वही बातें कर रहे हैं कि जी मुझे पता है मेरे पास ये सबूत थे, तो मेरे भाई कहीं तो देते ना, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैंने शायद कब्ज का फैसला भी कर दिया होता। ये तो ये बुनियादी चीज, ये बुनियादी चीज, ये बात अब इन्होंने कर दी ना कि मेरे हाथ में होता तो मैं फैसला कर देता। तो वसीम आफ्ताब साहब फिर जिनके हाथ में है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो फैसला कर सकते हैं, अब सवाल ब्रिगेडियर साहब भी वही उठा रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि जी वो फिर करते क्यों नहीं है, वो हो क्यों नहीं रहा है। ज़िया साहब हमारे साथ पहले मौजूद थे, उन्होंने एक खदशे का भी इजहार कर दिया कि ये भी कहा जाता है, ये भी समझा जाता है कि जी हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग खुद बात करते हैं कि भाई फिर से कोई डील ना हो जाए, अल्ताफ हुसैन के साथ मामला तय ना पा जाए। देखिए मुबशिर ने जो बात की ना उनकी बात बड़ी जबरदस्त, उनकी बात कि 4 साल उन कातिलों को जब पकड़ लिया गया तो होना तो ये चाहिए था ना। अगर आज आप हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त ये कह रही है कि भाई इमरान फारूक जो है ना पाकिस्तानी शहरी थे, उनके कत्ल का हमें बड़ा दुख है,
उस वक्त का वजीर दाखिला इन लोगों को पकड़ के अपने पास रखा है और इसी बुनियाद पे तो एमकेएम को ब्लैकमेल किया जाता रहा कि गवर्नमेंट से बाहर जा रही है वापस आ रही है, बाहर जा रही है वापस आ रही है। यही हम जो बात कह रहे हैं कि यही वो सारे टूल्स हैं जिनकी बुनियाद पर एमकेएम इनको सूट करती है कि ये नाको नाक जुर्म में डूबे हुए लोग हैं, इन ये शहर तबाह हो जाएगा, ये शहर के लोग मरते रहेंगे, एमकेएम खामोश बनी रहेगी। आज भी शहर की जो सूरत हाल है कि कचरे का अंबार लगा हुआ है, पानी पी मिलना नहीं रहा, सूरज का निदान तबाह है, कहीं आप कोई हवा की कोई इस तरह की देखते कहीं एहतजाज हो रहा हो, कहीं कोई मुजाहरे हो रहे हैं, नहीं, शहर में जो बिलिंग की जो के इलेक्ट्रिक जो बिल भेज रहा है हज़ार गुना बढ़ा के लोगों की ऐसी तैसी कर दी है उसने, कहीं कोई सदाए एहतजाज आप देख रही हैं क्यों? कि ये सारे लोग इस पूरे सिस्टम को सूट कर रहे हैं, ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये इनको बिल्कुल सूट कर रहे हैं, क्यों? कि ये नाको नाक जुर्म में डूबे हुए हैं, इनके सारे जराइम की फहरिस्त इनके पास है, इनकी ये चाहे वो मुस्लिम लीग नून आ जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए, इनको ये एमकेएम सूट कर रही है, ये अल्ताफ हुसैन सूट करता है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन को जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से नचाएंगे, जिस तरह से जो बोलेंगे उस तरह से करेगा अल्ताफ हुसैन, जब जरूरत होगी अल्ताफ हुसैन को लेकर आ जाएंगे, जब जरूरत नहीं होगी दोबारा डंप कर देंगे अल्ताफ हुसैन जो इधर चाहेगा करेगा। यानी हर तरफ से के लिए जो भी कुछ हर तरफ से मसलहत पसंदी का शिकार जो है वो हुआ जा रहा है। आई हैव टू वाइंड अप हियर, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल बना दिया गया ना, अच्छा वो हाँ अंकल को गद्दार नहीं कहा कभी। अच्छा बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।